की रुकी एंड द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी डी ब्रोय हाइपोथेसिस यस दैट इज द करेक्ट प्रोननciation ऑफ दिस वर्ड इट इज नॉट डी ब्रोगली इट इज डी ब्रोय हाइपोथेसिस तो स्टार्ट करते हैं इसको अभी तक हमने देखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो दोनों बिहेवियर शो करती है वेव लाइक -like भी और पार्टिकल लाइक -like भी पार्टिकल लाइक -like हमने कहां देखा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा था इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था आइंस्टीन ने यूजिंग प्लैंकस क्वांटम थ्योरी और वेव लाइक नेचर तो हमें पता ही है इंटरफेरेंस और वेव में होता है और कहाँ होता है डिफ्रेक्शन में होता है ये दोनों टॉपिक आप कहाँ पढ़ोगे ट्वेल्थ क्लास वेव ऑप्टिक्स में आप इन्हें पढ़ोगे अभी तक हमें ये पता है कि ये मार ड्यूअल नेचर शो करती है ओके डिब्रोय क्या बोलते हैं डिब्रोय बोलते हैं कोई भी मैटर हो या फिर पार्टिकल बोल सकते हो आप उसको उससे हमेशा एक वेव एसोसिएटेड रहती है वेव एसोसिएटेड रहती है बस कंडीशन क्या है कि जो मैटर है या पार्टिकल है ये मूविंग होना चाहिए मतलब इसकी कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए जो कि कुछ भी हो सकती है एक्स हो सकती है ठीक है तो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे लिखिएगा आप इस पॉइंट को इट सजेस्ट द वेव लाइक नेचर द वेव लाइक नेचर ऑफ पार्टिकल जिसको आप मैटर भी बोल सकते हो ठीक है सेकेंड पॉइंट लिखिएगा विथ एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट अ वेव इज ऑलवेज एसोसिएटेड अ वेव इज ऑलवेज एसोसिएटेड ठीक है इसको लिख सकते हो आप अ वेव इज ऑलवेज एसोसिएटेड इतनी बात क्लियर है कोई डाउट होना नहीं चाहिए अच्छा और उन्होंने ये बोला कि जो बिग ऑब्जेक्ट है लाइक अ मैन एट्टी के का मैन उसके लिए वेवलेंथ बहुत छोटी है वेरी स्मॉल इट कैन नॉट बी सीन दैट इज़ फॉर बिग ऑब्जेक्ट इट कैन नॉट बी सीन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए लेमडा जो है वो इनसिग्निफिकेंट है इनसिग्निफिकेंट है उसकी वैल्यू बहुत कम है ठीक है लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए बात करी जाए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या फिर वो पार्टिकल जिनका मास बहुत ही कम है उनके लिए इज़ सिग्निफिकेंट इसकी जो वैल्यू है सिग्निफिकेंट अच्छा ये सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी है ये वैल्यू है टेन टू दाइनस इलेवन मीटर से लेमडा की वैल्यू टेन टू दाइनस सिक्स मीटर तो ये है सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ लेमडा इतनी बात क्लियर है हमें ये समझ आ गया लेकिन क्या ये थ्योरी सही थी बिल्कुल सही थी ये हमें कैसे पता लगा जब डिफ्रेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भीम करा गया तो ये पता लगा कि हाँ पार्टिकल भी वेव लाइक नेचर रखते हैं तो ये भी आप लिख सकते हो बट मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट वेव नेचर विच कैन बी ऑब्जर्वड एक्सपेरिमेंटली विच कैन बी ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली तो यह हम एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं कौन सा एक्सपेरिमेंट डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट

वेवलेंथ जो है वो मीटर में आ जाएगी ऐसा यूनिट मीटर ही है वेवलेंथ की मैंने आपको बताया हुआ है ठीक है हमें यह समझ आ गया कि टू बाय होता है पी क्या है क्या मोमेंटम है। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए ठीक है अब आप अपनी खुद कैलकुलेट करना चाहो कि आपकी डिब्रोगली वेवलेंथ कितनी है तो अपना मास रखो अपना वेलोसिटी रखो निकाल सकते हो ठीक है और वो इतनी छोटी आएगी कि यू कैन नॉट इवन यू नो कंपेयर इट योर इलेक्ट्रॉन की जो वेव आएगी ठीक है

मल्टीप्लाई कर देते m से तो हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा तो टू -E, एम के तो जगह हम क्या रख सकते हैं रूट टू एम के भी एक है इसको भी आप याद रख सकते हो इतनी बात क्लियर इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है चलो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं मान लो एक चार्ज पार्टिकल है ये क्या है चार्ज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल इस पर चार्ज है क्यू इनिशियली ये रेस्ट पे है इनिशियली ये रेस्ट पे है मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो है इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जीरो है तो हमने इसे अगर एक्सेलरेट करा दिया वी पोटेंशियल से मैंने आपको बताया है कि पोटेंशियल से एक्सेलरेट कैसे होता है उस वीडियो में किस वीडियो में हमने देखा था

तो यह बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है और याद भी आपको रहनी चाहिए ठीक है तो इतनी बात आपको क्लियर है समझ आ गया अच्छा अब देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जरूर ध्यान से देखना समझ गए तो देखो नोट बहुत इंपॉर्टेंट देखो जब हम बोर मॉडल के लिए बोर्स मॉडल के लिए एक इलेक्ट्रॉन की लेमडा निकालते हैं तो वो आती है टेन टू दी पार माइनस टेन मीटर के ऑर्डर में ठीक है टेन टू दी पार माइनस टेन मीटर के ऑर्डर में आती है इसका मतलब क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन को एक स्टैंडिंग वेव मान सकते हैं क्या मान सकते हैं स्टैंडिंग वेव ये डिब्रोए ने बोला कि इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज अ स्टैंडिंग वेव विच इज यू नो Moving up and down, basically standing wave move तो करती है. Oscillating उसी में में है. उसी में में जिसमें वो ये ये समझ आया? क्या बोला? मैंने? ने ये बोला कि 10 मैंने ने कि 10 10 आ रहा. इसका मतलब उसे हम एक standing wave की तरह ट्रीट कर सकते हैं जो कि ऑसिलेट करती है उस ऑर्बिट में इतनी बात क्लियर है इतनी बात क्लियर है. इसमें कोई डाउट है नहीं तो डिब्रोई ने इस बेसिस पे बोला, कि एक इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रहेगा जिसमें उसका सरकम फेरेंस टू पाई आर एन उस ऑर्बिट का होगा इक्वल्स टू एन लेमडा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ लेंथ अरे समझ आया नहीं मैंने क्या बोला बोर मॉडल्स मैं जब हमने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाली तो वाई टेन टू दी पार माइनस टेन मीटर तो इस पर डिब्रोए ने बोला कि इट कैन बी ट्रीटेड एज अ स्टैंडिंग वेव विच कीप्स ऑन ऑसोलेटिंग इन इट्स ऑर्बिट तो उन्होंने डिब्रो ने बोला कि सिर्फ उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसमें इट सर्कमेंस विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ है? तो इसको हम लिखते हैं इससे और क्लियर होगा देखो हमने क्या देखा लेमडा जो आया वो कितना आया? पार माइनस टेन मीटर आया तो इससे हम क्या लिख सकते हैं सो सजेस्टेड एजेस्टेड सजेस्टेड एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट बोला और उन्होंने क्या बोला उसी में इलेक्ट्रॉन रहेगा जिसमें

टू एम क्यू वी लेमडा और क्या है हमने क्या देखा बेसिकली यही फॉर्मुल एक फॉर्मला और था इलेक्ट्रॉन के लिए बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या देखा था हमने, एक देखा था हमने? रूट 150 वी इतनी बात क्लियर है इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए बहुत ईजी फॉर्मले है सारे याद होने चाहिए आपको ठीक है तो ये हमने देख लिया इसमें कोई डाउट है नहीं ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं है क्लियर है एकदम कोई डाउट इसमें हमें है नहीं ठीक है ये जो है किसके लिए था ओनली फॉर चार्ज पार्टिकल्स ओनली फॉर चार्ज पार्टिकल्स इनिशियली एट रेस्ट ये इनिशियली एट रेस्ट पे है और ये किसके लिए ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट यूनिट याद रखना एंगस्ट्रॉम में आएगी ठीक है तो ये था हमारा बेसिक सा डिब्रोय हाइपोथेसिस का लेक्चर होपफुली आपको समझ आया आएगा मेनली आपको फॉर्मले याद रखने और वो प्रूफ याद रख लो बोर्स इक्वेशन का सो या दिस इट फ्रॉम दिस वीडियो आई विल सी इन द नेक्स्ट वन टिल देन टेक केयर बाय